أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على أعدائي مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم عجل لوليك الفرج. Respected brothers and sisters, Salamun alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. Sahaba ko jano ki is series ke episode 13 mein aaj hum jin do ashab karam ka zikr karne ja rahe hain unka naam hai janab Zurara ibn Ayyan alaihi rahma aur janab Yunus bin Abdul Rahman alaihi rahma. Janab Zurara ibn Ayyan ke bare mein hai ki ye Imam As-Sadiq alaihi salam ke khas ashabon mein se the aur itna ke इमाम अलैहिस्सलाम अपने एक सहाबी फैज़ इब्ने मुख्तार से कहते हैं कि अगर ज़ुरारा न होते तो मेरे वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की जो है अहदीसें गुम हो जाती, लॉस्ट हो जाती, गायब हो जाती. मतलब इतनी हदीसें जनाब ज़ुरारा ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से जो है बयान की हैं. जब यूनुस बिन अम्मार ने जो है एक हदीस बयान की इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की और कहा कि मैंने यह हदीस ज़ुरारा से सुनी है, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर ज़ुरारा ने इस हदीस को बयान किया है तो मतलब ये 100% ऑथेंटिक है. जमील इब्ने दर्राज एक दूसरे साहबी वो कहते थे हम जो है ज़ुरारा के सामने छोटे बच्चों की तरह दिखते थे, नर्सरी किड्स की तरह दिखते थे. इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है उनको जन्नत की बशारत दी और जो है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से जाने के 2 महीने बाद जनाब ज़ुरारा इब्ने आयन भी जो है इस दुनिया से चले गए. लेकिन उनके जाने के बाद एक जनरेशन उन्होंने जो है अहदीस बयान करने वालों की छोड़कर अपने पीछे गए. कई सारी अहदीसें जो करबला से रिलेटेड है और गिरियाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है, वो कई हदीसें जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की अहदीस वो जनाब ज़ुरारा इब्ने आयन के अथॉरिटी पर जो है नरेट की जाती है. जो दूसरे सहाबे जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं वो है जनाब यूनुस बिन अब्दुर्रहमान अलैहिर्रहमा. जनाब यूनुस बिन अब्दुर्रहमान की विलादत जो है हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक जो बादशाह था उसके ज़माने में हुई थी और ये 5वें इमाम और 6ठे इमाम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़िंदगी बसर की थी. लेकिन इन्होंने सिर्फ 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से अपनी हदीसों को जो है नरेट किया, मतलब उनकी हदीसों को उन्होंने नरेट किया है. और इमाम अली रवा अलैहिस्सलाम लोगों को एडवाइस करते थे कि जाकर जो है जब अपने इश्यूज हो, रिलीजियस इश्यूज हो, तो यूनुस बिन अब्दुर्रहमान से जो है आप कंसल्ट करो. यूनुस बिन अब्दुर्रहमान ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था योम व लैल. और ये बुक जब कई सालों बाद हमारे 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को प्रेजेंट की गई तो उन्होंने पूरी किताब पढ़ी और कहा ये किताब मेरे और मेरे अजदाद का जो है दीन है. जनाब यूनुस बिन अब्दुर्रहमान के बारे में है कि वो जो है 208 हिजरी में इस दुनिया से रहलत कर गए. इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत की बशारत दी थी 3 मरतबा, 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा, और कहा था कि जनाब यूनुस बिन अब्दुर्रहमान इस ज़माने के सलमान मोहम्मदी हैं. हम जानते हैं कि जनाब सलमान को जो है 10वें दर्जे पर माना जाता है, ईमान के हाइएस्ट लेवल्स पर माना जाता है. इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यूनुस बिन अब्दुर्रहमान उनके ज़माने के जनाब सलमान के लेवल के ईमान रखते थे, क्योंकि उन्होंने जो वाकफ़ी थे, जो वाकफ़ी सेक्ट था जो अब नहीं है इस आजकल, वाकफ़ी सेक्ट ये मानता था कि इमामत 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम पर वक्फ हो गई, स्टॉप हो गई और इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह गैबत में, और फिर वो पलटेंगे और फिर वहाँ से इमामत शुरू होगी. और वो लोग इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को सच्चा इमाम नहीं मानते थे और ऐसा जो सेक्ट था उनके उनको अपोज किया और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत को जनाब यूनुस बिन अब्दुर्रहमान ने प्रूव किया. और इस वजह से इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यूनुस बिन अब्दुर्रहमान इस ज़माने के सलमान हैं. इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे 2 नए असहाब की स्टोरी के साथ. 5 मिनट्स at 5 PM. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलावत. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج